दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जहां पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, वहीं पर लोग अलग अलग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और भगवान शिवलिंग बता रहे, लेकिन सभी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जैसे ही एक मुस्लिम व्यक्ति एक पोस्ट करता है तो पुलिस प्रशासन को अपना कर्तव्य याद आता है और तुरंत उस मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है कि वो देश की सौहार्द को बिगाड़ रहा है। ऐसे पोस्ट से दंगे हो सकते हैं, लेकिन जो बजरंग दल के लोग, जो भगवाधारी मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुलेआम पोस्ट करके गाली देते हैं, मस्जिद के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, मुस्लिम समुदाय के महिलाओं के बारे में अपशब्द पोस्ट करते हैं, बोलते हैं, उन लोगों पर ऐसे झटपट कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर कानून है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ना ही किसी एक समुदाय के लिए। दरअसल आपको बता दें आखिरकार हुआ क्या था। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता मोहसिन अंसारी को पुलिस ने लीची की एक तस्वीर शेयर करने पर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस पोस्ट के जरिए एक विशेष धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मोहसिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लीची को आधा काट कर उसके बीज को कथित तौर से शिवलिंग के रूप में प्रदर्शित किया और पूछा कि लीची के अंदर क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये पूरा मामला ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाह से जुड़ा हुआ है। दरअसल ज्ञान व्यापी मस्जिद के भीतर स्थित वजू खाने के कुएं को शिवलिंग बताया जा रहा है। इस जानकारी के साथ ही मामले के तहत मुकदमा दर्ज करने वाले हिंदू पक्ष के लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष अपनी चिंता प्रकट करते हुए इसे एक बेबुनियाद दावा बता रहा है। मोहसिन ने पोस्ट किया है, आप उसे भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर आलिशान जाफरी ने ट्वीट करते हुए लिखा, लीची की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करने वाले मोहसिन अंसारी को मुजफ्फरनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का है आरोप। इस पर लोग कई तस्वीर शेयर कर रहे हैं जिसमें हिंदू संगठन ने मुस्लिम समुदाय के बारे में लिखा और बोला है, लेकिन पुलिस द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। शफाकबे नाम के यूजर ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, लीजिए के फोटो को शेयर करने वाले गिरफ्तार और ये सारे सबके सामने धमकियां दे रही हैं, तो कोई बात नहीं है, यही है भारतीय कानून। अब आप इस तस्वीर के साथ इस वीडियो को भी देख लीजिए। गंदे हाथ धुले हैं, गंदे बहुत हर्षोल्लास का विषय है कि काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मंदिर पर हमारे शिवलिंग मिले हैं, हमारे बाबा जी मिले हैं, हमें दर्शन दिया है। और उससे ही ज़्यादा दुख का विषय ये है कि इन्होंने वर्षों तक हमारे शिवलिंग पर, बाबा जी के ऊपर गंदे हाथ धुले हैं, गंदे पैर धुले हैं और वहाँ पर कुल्ली करी है। हम वो हाथ, वो पैर और वो कुल्ली करने वाली गर्दन काट लेंगे इनकी। जय जय श्री राम। वहीं आरिफ खान नाम के एक यूजर ने एक तस्वीर को शेयर किया है जिसमें रतन लाल नाम के यूजर ने शिवलिंग बताकर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि यदि ये शिवलिंग है तो लगता है कि शिवलिंग का भी खतना कर दिया गया था। दोस्तों, हिंदू संगठन के किसी भी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पोस्ट को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए आरिफ खान ने लिखा, लीजिए के अंदर क्या है, इतना कहने से गिरफ्तार कर लिए, मुजफ्फरनगर पुलिस कृपया बताएंगे, इस फोटो में ये आदमी जो कुछ भी लिखा है तो इसे भी गिरफ्तार करेंगे। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहें MIM News Express।